बारी ननद। अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी। वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी, इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है, और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या, पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2-2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं, और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ आप ऐसा क्यों कह रही है, मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है, 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं, और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है, ताने हैं? बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल, आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं, और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है, निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी आपको क्या लगता है, इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी, अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है चलिए, मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है, उसका नाम था अजय। अंजलि जी तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है, अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से।
जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है, कितना कमा लेती है महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है, इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि किस तरह की बात कर रही हो, घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई, अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा, आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या, अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या, कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और दामाद जी करते क्या है, इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन आप सबकी ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश।